कृषि सुधार कानून के विरोध में आज भी विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक ट्रक में रखकर इस ट्रैक्टर को लेकर आए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे किसानों को गुमराह करने की साजिश बताया। किसानों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति है। ये कौन सा आंदोलन है कि ट्रक से आप अच्छा खासा ट्रैक्टर लाके उतारते हो और उसको जलाते हो? ये जानबूझ के टीवी का पब्लिसिटी लेने के लिए। दिल्ली में ट्रैक्टर जलाए जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विवादित बयान दिया है। अगर मेरा ट्रैक्टर है, मैं फूंकना चाहूंगा, दोनों की दिक्कत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सभी मुख्यमंत्री केंद्र के कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानूनी विकल्प पर विचार करें। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके कृषि बिल का विरोध जताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी दी है। राज्यपाल धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी मुझे आर्टिकल 154 देखने के लिए मजबूर न करें, जिससे राज्य की शक्तियां गवर्नर में निहित होंगी। Chief Minister doesn't reply to the governor. Is it not lawlessness? Is it not anarchy? Is it not unconstitutional? Is it not undemocratic? Is our head not lowered in shame? 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने राज्यपाल को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की बात कही थी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां एक बार फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। नुसरत जहां ने दुर्गा अवतार में फोटोशूट करवाया और पिक्चर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी यहां तक कह रहे हैं कि तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के इकदाम नहीं करना चाहिए, इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। रूप धारण करने से रगे सियार की तरह बन जाना, उससे समाज का या माशरे का कोई फायदा होने वाला नहीं है। जेडीयू सांसद केसी त्यागी का कहना है कि इस तरह की धमकी देना सरासर गलत है। धर्म गुरुओं से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, हमारा आग्रह है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के डे टू डे की जो फंक्शनिंग है उस पर वो कोई टिप्पणी ना करे। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने 17 नवंबर को महालया के मौके पर दुर्गा अवतार की ये तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें उनके हाथ में त्रिशूल है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। एम्स के 4 डॉक्टर और सीएफएसएल एक्सपर्ट आज सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां इनके बीच 2 घंटे तक मीटिंग चली। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अब सीबीआई को केस की जांच जल्द निपटानी चाहिए। ऐसा है, करीबन 1.5 महीने के करीब हो गया है ये पूरा सीबीआई को हैंड ओवर करने के बाद। अब 1.5 महीने के बाद अभी उनकी जांच कहां तक आई है, बड़े बेसब्री से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पटना पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई जल्द जांच के नतीजे सामने रखेगी। हम सबने एक चीज ध्यान में लेना चाहिए कि सीबीआई को 50 दिन के जाने के बाद ये केस मिला है, उनको उचित समय दिया जाना चाहिए। सीबीआई ने इस पर आधिकारिक तौर पर आज बयान भी दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक से जांच ये होगी, ये विश्वास हम मन में रखें। एम्स से सीबीआई को रिपोर्ट मिलने में देरी पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने भी सवाल उठाए थे। अभिनेत्री कंगना रनौत का दफ्तर गिराए जाने के मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए पूछा कि उसने पहले की लिस्ट पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की। कंगना के वकीलों ने शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान का जिक्र किया। कोर्ट के कहने पर कंगना के वकीलों ने कोर्ट को वो वीडियो क्लिप सुनवाई जिसमें राउत ने कंगना पर विवादित बयान दिया था, जिस पर कोर्ट में मौजूद संजय राउत के वकील ने कल हलफनामा दायर करने की बात कही और ये भी साफ किया कि राउत ने जो भी कहा वो कंगना के बारे में नहीं कहा था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और एलजेपी के बीच स्थिति कल साफ हो सकती है। एलजेपी के सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी अपनी सीटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी अगर एनडीए से अलग होती है तो मुमकिन है कि वो राज्य में 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।
हालांकि इस पर आखिरी फैसला पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। भाजपा के साथ हमारी गठबंधन की जो बातें हो रही है विभिन्न चैनलों पे, कोई 30 बता रहा है, कोई 28 बता रहा है, कोई 32 बता रहा है, तो ये जितनी भी खबरें चल रही है सब भ्रामक खबर है। भाजपा के किसी भी बड़े नेताओं से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ अभी कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद की खबरों पर आरजेडी ने अपना रुख साफ किया है। आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है और जल्द ही सीटों को लेकर बातचीत हो जाएगी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।